मैं अभी एक प्रशिक्षणार्थी हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और दिए गए वीडियो से पढ़ करके विषय वस्तु पर अपनी समझ बना रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास है। तो इसी सब के क्रम में आज पुनः एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, इस पर कि अभी हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप क्या हम लोग कोर्स वन के यूनिट फोर में इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी नामक विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं, जिसमें इंटेलिजेंस, मीनिंग, नेचर, इमोशनल इंटेलिजेंस और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस पर बात हुई थी, पर वीडियो हमने बनाया है और उसको भेज भी दिया है और आशा करते हैं आप लोग उसको देखे भी होंगे और देख करके लाभ भी लिए होंगे। अब आपके सिलेबस में उसके पश्चात है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो क्रिएटिविटी में सर्वप्रथम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या विशेषता है और परिभाषा, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी किसे कहते हैं? हिंदी में इसे सृजनात्मकता कहते हैं, इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसा कि नाम आप सुने होंगे, जाने होंगे, बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुने होंगे कि इसका माइंड बड़ा क्रिएटिव है, इसकी जो भी क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं बड़ी क्रिएटिव होती हैं, मौलिक होती हैं। तो क्रिएटिविटी का मतलब है, सृजनात्मकता का मतलब है कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो कि अब तक ना हुआ हो या जिसका निर्माण अब तक ना हुआ हो, जो बिल्कुल एकदम क्या हो, मौलिक हो, एकदम नया हो और जो उसके लिए उपयोगी हो और उसके साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी हो। तो इस तरह से जो भी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं जिसके द्वारा उसे क्रिएटिव कहा जाता है और उसके द्वारा उपयोग में जो वस्तुएं बनाई गई उसको मौलिक वस्तुएं होती हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो मानवीय जीवन को उसमें बनाने के लिए बहुत सारे आविष्कार करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता अत्यंत उपयोगी है, इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में के उपरांत सृजनात्मकता के प्रत्यय पर मनोविज्ञानिकों वह शिक्षा शास्त्रियों ने विशेष ध्यान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके उपरांत शिक्षा शास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विशेष ध्यान दिया और वर्तमान समय में तीव्र गति से हो रहे वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक प्रगति व विकास तथा आधुनिकीकरण ने मानव जीवन को इतना जटिल तथा समस्याग्रस्त बना दिया है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, इन समस्याओं के समाधान के लिए जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो उससे अछूता है, यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। आज के समस्याग्रस्त जटिल समाज तथा प्रतियोगितापूर्ण संसार में
सृजनात्मक व्यक्तियों की अत्यंत मांग है। सृजनात्मक व्यक्तियों की बहुत मांग है समाज को। वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों को अधिकाधिक अर्जित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक व्यक्तियों की खोज या सृजनात्मक व्यक्तियों को खोजना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज इसकी भूमिका है। कुछ भूमिका के रूप में हम बताया आपको, हम लोग आते हैं मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता किसे कहते हैं, सृजनात्मकता का क्या अर्थ है। तो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, बताने का प्रयत्न किया है, जिसमें डीहान तथा हेविंग हर्स्ट के अनुसार सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्ति करे, नवीन व वांछित वस्तु की के उत्पादन की ओर क्या करे, प्रवृत्ति करे, तत्पर करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने भी उसे प्रस्तुत किया है, जिसने उसे बनाया। डियानेस्ट ने अपनी परिभाषा में कुछ इस तरह बताया कि सृजनात्मकता एक ऐसी विशेषता है जो एक नई मौलिक वस्तु जो कि जरूरत है जिसकी, उसको कार्य करने की ओर उसको बढ़ाती है, प्रवृत्त करती है, तत्पर बनाती है। और यह नवीन वस्तु उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है तथा उसके साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। एक परिभाषा और हम आपके समक्ष रखते हैं, ट्रेव हल। ट्रेव हल मनोवैज्ञानिक के शब्दों में सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है, सृजनात्मकता कहलाती है। ये भी लगभग वही बातें बताएं कि सृजनात्मकता को हम एक ऐसी मानवीय योग्यता कहते हैं जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना, जिसके द्वारा वह कोई नई रचना, मौलिक रचना करे या कोई नवीन विचार प्रस्तुत करे, तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। क्रो के अनुसार इन्होंने भी सृजनात्मकता को परिभाषित किया है। इनके शब्दों में सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया। सृजनात्मकता बहुत छोटी और सटीक परिभाषा है इनकी। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक जो परिणाम है, मौलिक जो चीज़ें निकल करके आती हैं, उसको व्यक्त करना, उसको समाज में प्रस्तुत करना करने के लिए जो मानसिक प्रक्रिया की जाती है, उसी को सृजनात्मकता कहते हैं। रॉयल प्रो के अनुसार कोल एंड ब्रूस के शब्दों में परिभाषा और रखते हैं। कोल और ब्रूस के शब्दों में इन्होंने क्या कहा, सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। फिर समझ लीजिए, सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने,
व्यक्त करने, मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया। उन्होंने सृजनात्मकता को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया। इन सारी परिभाषाओं को अगर हम एक निष्कर्ष के रूप में देखें, अगर इसका एक निचोड़ निकाले, एक निष्कर्ष निकाले, तो यह कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने नवीन ढंग से सोचने तथा विचार करने में समर्थ बनाती है, योग्य बनाती है। प्रचलित ढंग से हटकर यानी जो परंपरागत तरीके हैं उससे हट करके एक अपरंपरागत तरीके से किसी नए ढंग से चिंतन करने, किसी नवीन तरह से नए रूप में चिंतन करने तथा कार्य करने की योग्यता, ही क्या है, सृजनात्मकता है। कार्य करने की योग्यता ही क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। इस तरह से हम देखें कि सृजनात्मकता क्या है, मिलाकर के यही निकला कि कोई नवीन वस्तु का निर्माण करना या कोई नया विचार प्रस्तुत करना जो कि अभी तक ना हुआ हो, जो कि उपयोगी हो समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए, जिसका उपयोग लोग कर करके अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो इस तरह से जो भी उत्पाद, जो भी उत्पादन किया जाता है, जो भी व्यक्त की जाती है, उसे ही सृजनात्मकता कहते हैं। समझ में आ गया हो, आशा करते हैं सृजनात्मकता किसे कहते हैं आप सभी के समझ में आ गया हो। अब हम लोग आते हैं सृजनात्मकता की विशेषताएं, सृजनात्मकता की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की विशेषताएं। तो सृजनात्मकता की कुछ बहुत सारी विशेषताएं हैं जो उसमें से प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं। उन विशेषताओं को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। सृजनात्मकता पहली क्या विशेषता, सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित होती है, इसमें व्यक्ति को लक्ष्य निश्चित रूप से पता होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है ना, सृजनशील करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको लक्ष्य निश्चित रूप से पता होता है, यानी उस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए वह मानसिक प्रक्रिया करता है, और उस मानसिक प्रक्रिया करने के उपरांत उसका प्रत्येक व्यवहार, इसी लक्ष्य से संबंधित, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है, जो भी मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया करता है, वह उस सबका संबंध क्या होता है, उस लक्ष्य से ही होता है। व्यक्ति इस ढंग का व्यवहार अपने व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए भी करता है। ऐसा नहीं कि समाज के लिए करता, बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भी वह करता है। तो इस तरह से सृजनात्मकता की विशेषता कि इसमें एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य निर्देशित होती है, जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी व्यवहार करता है, जो भी मानसिक क्रियाएँ होती हैं, सब उसी के केंद्र में रख करके, उस लक्ष्य को केंद्र में रख करके होता है। दूसरा क्या, सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया एवं भिन्न चीज़ों की रचना करता है। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया, नवीन या कुछ भिन्न चीज़ों की रचना करता है, यानी जो भी वस्तुएं निर्मित हुई हैं उन वस्तुओं से कुछ नया, यानी इसमें नयापन जरूर होना चाहिए, इसमें कुछ मौलिकता जरूर होनी चाहिए, इसमें कुछ भिन्नता जरूर होनी चाहिए। तो ऐसा अगर है तो सब क्या कहलाती है, सृजनात्मक वस्तु कहलाती है। जो बिल्कुल नई हो या जो बिल्कुल नए रूप में हो, परिवर्तित रूप में हो, या जी औरों से या और वस्तुओं से क्या हो, अलग हो, भिन्न, तो
उन चीजों की रचना करती है सृजनात्मक। अगला क्या, सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति, सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति समस्या के भिन्न भिन्न, समस्या के जो अलग अलग पहलू हैं उन पहलुओं पर अलग अलग दिशाओं में चिंतन करता है, अलग अलग पहलुओं में अलग अलग दिशाओं में चिंतन करता है। ऐसा नहीं कि एक ही रूप में हर जो समस्या है उसमें उसी प्रकार का चिंतन करे, बहुत सारी अलग अलग समस्या होती है, उस अलग अलग समस्या को अलग अलग ढंग से दिशा में अलग अलग चिंतन करता है। सृजनात्मक चिंतन में अपसरण चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपरंपरागत चिंतन होता है, परंपरागत नहीं बल्कि अपरंपरागत चिंतन होता है। वह एक परंपरागत नियमों से, कानूनों से हटकर कुछ नया करता है, कुछ नए तरीके से क्या करता है, सोचता है, विचारता है। तो सृजनात्मक चिंतन में अपसरण चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। सृजनात्मक चिंतन एक का एक विशेष रूप, सृजनात्मक चिंतन का ही क्या विशेष रूप होता है, ऐसा नहीं सब प्रकार की चिंतन ही सृजनात्मकता कहलाता है। उस सृजनात्मकता होती है उसकी एक विशेषता हो, उसकी एक अलग विशेषता ही होती है। सृजनात्मकता बुद्धि से भिन्न संपत्ति है, सृजनात्मकता बुद्धि से क्या है, भिन्न प्रत्यय है। ऐसा नहीं सृजनात्मकता को बुद्धि कहते हैं, सृजनात्मकता बुद्धि से क्या है, भिन्न है, अलग। सृजनात्मकता व्यक्ति द्वारा पहले से, सृजनात्मकता व्यक्ति द्वारा पहले से प्राप्त सार्थक ज्ञान पर निर्भर करती है, सृजनात्मकता व्यक्ति द्वारा पहले से प्राप्त सार्थक ज्ञान पर निर्भर करती है। जो ज्ञान पूर्व में मिला हुआ है उस ज्ञान का उपयोग करके व्यक्ति उस सार्थक सही रूप के ज्ञान का उपयोग करके उस सृजनात्मक कार्य करता है। अलग है सृजनात्मकता में चिंतन नियंत्रित ढंग से सम्मिलित होता है, चिंतन क्या होता है, नियंत्रित ढंग से आउटसाइड थिंकिंग होता है। वह क्या होता है, नियंत्रित ढंग से, या इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, स्वली चिंतन। सृजनात्मकता एक सीमा तक, अगर क्या है, सृजनात्मकता एक सीमा तक अपसारी चिंतन भी होता है, एक सीमा तक है ना, थोड़ा बहुत उसमें परंपरागत रूप में भी वह सोचता है, परंपरागत रूप से लेकर वह परंपरागत की ओर जाता है, कन्वर्जन से लेकर के डाइवर्जन की ओर वह जाता है। सृजनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया है, अगला क्या है, सृजनात्मकता कैसी, इसकी प्रक्रिया क्या है, आसान नहीं बल्कि क्या है, जटिल है, जिसमें अनेक तत्वों का समावेश होता है, जिसमें बहुत सारे तत्वों का समावेश होता है। ये चीजें हम अभी आगे इसको देखेंगे जब प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। तो ये तो कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिसको कि अभी आप लोगों ने समझ रखा, इसमें 8-10 विशेषताएं थी, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे और उसको नोट डाउन भी किए होंगे, ऐसा विश्वास है। अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव पे, सृजनात्मकता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें हैं, दिया गया है इसमें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या, सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई सोपान या चरण होते हैं, जैसे कि विशेषता में हम बताए थे, सृजनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक तत्वों का समावेश होता है। तो वही है सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या है, एक प्रकार से जटिल है और इसमें कई सोपान कई चरण होते हैं, उन सारे चरणों से गुजर करके या उन सारे चरणों से गुजरने के उपरांत ही सृजनात्मक वस्तु निर्मित होती है। और सृजनात्मक प्रक्रिया में कुछ प्रमुख सोपान है जिस पर कि हम लोग चर्चा करते हैं, कौन कौन से सोपान है इस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है, समस्या का प्रत्यक्षण, सबसे पहले क्या है सोपान, समस्या का प्रत्यक्षण। इसमें क्या होता है, जब भी
व्यक्ति के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे उसके वातावरणीय उद्दीपक होते हैं, और उन उद्दीपक या उस समस्याओं से संबंधित वह कार्य करता है, और उस कार्य के दौरान कुछ नई चीज़ें निर्मित हो जाती हैं, कुछ नई बातें निकल करके आती हैं, कुछ नए विचार निकल करके आते हैं जो कि उस समस्या के समाधान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो सृजनात्मकता की प्रक्रिया, उसमें सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, समस्या का प्रत्यक्षण किया जाता है, उसके पश्चात उसके अगला चरण आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, समस्या का प्रत्यक्षण। सृजनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत ही एक ऐसी समस्या से, पहचान से शुरू होती है जिसे सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्षण नहीं कर पाता है, ठीक है। समस्या तो सबके सामने वो रहती है संसार में, जगत में, लेकिन उसको पहचान कौन कर पाता है, क्रिएटिव व्यक्ति ही कर पाता है, सृजनात्मक व्यक्ति ही कर पाता है, जिसका माइंड कैसा होता है, क्रिएटिव होता है। ऐसा नहीं सभी कर लेते हैं, अगर ऐसा कर लेते तो सारे व्यक्ति न्यूटन हो जाते, सारे व्यक्ति वैज्ञानिक हो जाते, दार्शनिक हो जाते, इतिहासकार हो जाते, रचनाकार हो जाते, कवि हो जाते, गोस्वामी तुलसीदास हो जाते, कबीरदास जी हो जाते, सूरदास हो जाते, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्षण करता है वह साधारण व्यक्ति नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। कौन कौन उसका प्रत्यक्षण कर पाता है, जो क्रिएटिव होता है, जिसमें सृजनात्मकता होती है। तो सबसे पहले क्या है, समस्या का प्रत्यक्षण, समस्या को पहचान करना, समस्या का अवलोकन करना, समस्या को देखना। अब जब व्यक्ति समस्या का प्रत्यक्षण कर लेता है, समस्या को देख लेता है, समस्या को समझ लेता है, समस्या की पहचान कर लेता है, तब फिर दूसरे चरण पे आता है, समस्या को परिवर्तित करना। समस्या को परिवर्तित करना मतलब उसमें परिवर्तन करना, जो समस्या जिस रूप में है उसको, उसका रूप थोड़ा सा परिवर्तित कर देना, उसका रूप बदल देना। समस्या के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करने, समस्या की जो पहचान है उसके प्रत्येक क्षेत्र का पहचान करने के पश्चात क्या करता है, समस्या में परिवर्तन लाया जाता है। समस्या में क्या लाया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। और जैसे समस्या का विस्तारण करके, परिवर्तन किस रूप में लाया जाता है, समस्या का विस्तारण करके, जो समस्या है उसको, उसका थोड़ा सा रूप विस्तृत कर दिया जाए, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, और दूसरा क्या है, उसे उल्टा कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, जो समस्या है उससे बिल्कुल हट करके या उसका उल्टा क्या होगा यह कर दिया जाए, फिर उसे अधिक ठोस बना कर, तीसरा क्या, उसे अधिक ठोस बना दिया जाए, जो स्थूल है उसको एक ठोस बना दिया जाए, और ठोस बना करके समस्या में परिवर्तन लाया जा सकता है। इन्हीं तीन तरीकों से उस समस्या में क्या लाया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है, जो समस्या का प्रत्यक्षण या समस्या की पहचान क्रिएटिव व्यक्ति के द्वारा की गई है, उसमें परिवर्तन तीन प्रकार से लाया जाता है, उसको विस्तार रूप दे करके, उसके विपरीत रूप में उसको देख करके, या उसको स्थूल से अधिक ठोस रूप में बना करके। इस तरह से इन तीन रूप तरीके से सृजनात्मक व्यक्ति समस्या में परिवर्तन करता है, समस्या को परिवर्तित करता है। अगला चरण, तीसरा चरण अब शुरू होता है, तो समस्या में परिवर्तन हो गया, फिर अगला चरण शुरू होता है, निर्णय को निलंबित करना। निर्णय को निलंबित करना यानी जो निर्णय है, निर्णय कैसा है, जो परंपरागत निर्णय, जिससे उस समस्या का परंपरागत तरीके से समाधान किया जा सकता है, उसको वह नकार देता है, उसका एक तरीके से वह तिरस्कार कर देता है। इस चरण में व्यक्ति समस्या के प्रति परंपरागत जो निर्णय है उनको निर्भीक होकर के, निडर होकर के उसको नकार देता है, तथा उसकी जगह एक हास्यास्पद यानी ऐसा विचार लाता है जो कि आम लोगों को मात्र एक बेहूदा विचार लगे या एक पागलपन लगे, लग सकता है, का प्रतिपादन करता है। बहुत सारे जो वैज्ञानिक ने आप उनकी उनका कहानी पढ़े होंगे, उनकी जीवन परिचय पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे कि उनको लोग शुरू शुरू में पागल के बोलते थे, पर ये पागल हो गया है ना, ऐसा ऐसा कार्य करता है कि जो पागलों जैसा है। तो क्या करता है, जो परंपरागत तरीके हैं, जो परंपरागत नियम है,
जो परंपरागत उस समस्या के समाधान के रास्ते हो सकते हैं उसको बिल्कुल नकार देता है, उसको बिल्कुल तिरस्कार कर देता है। एक नए तरीके से, एक नए विचार वो लेकर के आता है, जो कि आम लोग उसको एक तरीके से पागलपन कहते हैं, या बेहुदा हरकत कहते हैं, या बेहुदा विचार कहते हैं, या निरर्थक विचार कुछ भी कह सकते हैं। तो इस चरण में ये करता है, निर्णय को निलंबित करता है। जो परंपरागत नियम है, जो परंपरागत तरीके हैं, उसको तिरस्कृत कर देता है, उसको स्वीकार कर देता है। और जो अपरंपरागत चिंतन है, जो नए विचार हैं, नए सोच हैं, उसको वह उसमें उसको हल करने के लिए लाता है। फिर अगला क्या है, निर्णय को निलंबित करने के पश्चात जो चरण आता है, उद्भवन प्रभाव जिसको बोलते हैं, इंक्यूबेशन इफेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसके प्रश्न भी बने हैं टीटी की परीक्षाओं में। उद्भवन प्रभाव का संबंध किससे है? उद्भवन प्रभाव का संबंध किससे है? क्रिएटिविटी का है। इससे क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से, इंक्यूबेशन इफेक्ट किससे संबंधित है? क्रिएटिविटी से संबंधित। इस पर प्रश्न पूछा गया है दो बार। तो उद्भवन प्रभाव जब वह क्या करता है कि जो निर्णय को निलंबित कर देने या परंपरागत तरीके से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, और बहुत सारे कोशिश के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिलती है, या उसको समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है, तो क्या करता है, थोड़ी देर को उस समस्या से वो अपने को अलग कर लेता है, उससे अपने को हटा लेता है, उस अपने दूसरे कार्य में अपने को लगा लेगा, या सो जाएगा, विश्राम करेगा, या कुछ मनोरंजन के कार्य में लग जाएगा, यानी उस समस्या से अपने को अलग कर लेता है। अलग कर लेता है तो जो उसके चेतन में है, वो चीज़ें तो चेतन से हट जाती हैं, लेकिन अचेतन में वो चीज़ें चलती रहती हैं। और कभी कभी उद्भवन इफेक्ट यानी इंक्यूबेशन इफेक्ट में ही समस्या का समाधान निकल आता है, अचेतन अवस्था में उस समस्या का समाधान व्यक्ति का निकल आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चरण है ये। इस समस्या के समाधान के लिए इसमें व्यक्ति अनेक प्रयत्न करता है, और अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी उसे जब समाधान नहीं निकल पाता है, तो उस उद्भवन की अवस्था उत्पत्ति होती है। और इस अवस्था में व्यक्ति समस्या के बारे में बिल्कुल सोचना ही बंद कर देता है, चिंतन करना बंद कर देता है, उसको छोड़ करके वह अपने को अन्य कार्यों में लगा लेता है, विश्राम करने लगता है, अपना ध्यान समस्या की ओर से वह पूर्णतः हटा लेता है। और फिर भी अचेतन रूप में, जैसा बताया उसके अचेतन रूप में, लेकिन वो चीज़ें चेतन रूप से तो हट जाती हैं, लेकिन अचेतन रूप से उसमें चलती रहती हैं, उसके विचार उस पर निरंतर चलता रहता है, उसको सोचता रहता है। इस प्रकार उद्भवन प्रभाव में व्यक्ति चेतन रूप से समस्या के बारे में चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से उसके समाधान के लिए उसमें चिंतन जारी रखता है, चिंतन उसमें होता रहता है। और कभी कभी क्या होता है, उस अचेतन अवस्था में समस्या का समाधान व्यक्ति को मिल जाता है, निकल आता है। तो ये चरण फिर आता है उद्भवन प्रभाव। इसके पश्चात फिर आता है किसी एक विचार से बंध, जो उसको इस चरण में समस्या का समाधान उसको मिल जाता है, या उसके अनेक जो समस्या के समाधान के लिए उसने कार्य किया, मानसिक क्रियाएं की, उनमें से उस क्रिया के द्वारा जिससे कि उस समस्या का समाधान निकल आया, उसको क्या करता है, उसी एक विचार को दृढ़ रूप से स्वीकार कर लेता है। तो ये उद्भवन प्रभाव के बाद चरण आता है किसी एक विचार से बन जाना, किसी एक विचार से बन जाना। जैसे कि आप लोगों ने उसने पढ़ा था थंडाइक में, जब उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, क्या किया, उसकी समस्या क्या थी, भूखी थी तो भोजन प्राप्त करना था, तो भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करती थी, बार बार उठ उछल कूद, दांत से काटना, तोड़ना, कूदना, ये सब बहुत सारी क्रियाएं करती थी। लेकिन उसको बाद में इस अचानक ही इन सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं के बीच ही एक ऐसा रास्ता निकल आया, अनजाने में ही उसका पैर उस लीवर पर पड़ गया, लीवर खुल गया, और उसकी समस्या का समाधान हो गया, भोजन की प्राप्ति उसको हो गई। तो धीरे धीरे वह जब बहुत सारे प्रयत्न के पास जो भी गलत रास्ते थे, या जिससे उसको समस्या का समाधान नहीं निकलता, उसको छोड़ करके वह
फिर क्या करने लगी, सिर्फ उस लीवर को ही दबाए और दरवाजा खुला, भोजन को प्राप्त। तो क्या किया, उस एक विचार को ही वह दृढ़ रूप से मजबूती रूप से करना सीख गई। तो वही है कि जब उसको समस्या का समाधान निकल आता है, तो वह रास्ता जो उस समस्या के समाधान में सहायक हुआ, उसी रास्ते से मजबूती से उसको समझ लेता है, पकड़ लेता है। तो ये अगला चरण है, किसी एक विचार से बंधन। किसी विचार पर इस ढंग से बन जाने के लिए लोग उसे सनकी व्यक्ति भी कहते हैं। वैसे व्यक्ति क्या कहते हैं, सनकी कहते हैं, पागल कहते हैं, कुछ भी कहना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु फिर भी वह अपने इस विचार पर अड़िग रहता है, जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है अपने इस विचार पर वह अड़िग रहता है। फिर अगला क्या था, परिणाम की संभावना। जब से एक विचार में बन गया तो फिर क्या था, परिणाम की संभावना। उस समय व्यक्ति समस्या के संभावित परिणाम का अंदाज लगाने लगता है, समस्या का जो संभावित परिणाम आएगा वो क्या होगा, और जिससे व्यक्ति में उत्साह दिखने लगता है और व्यक्ति इस संभावना के परिणाम स्वरूप उसमें उत्साह जागृत हो जाता है कि उसको समस्या का समाधान तो मिल गया, तो काफी उत्साहित हो जाता है इस चरण में। फिर अगला चरण क्या था, उत्तम निष्कर्ष का चयन। उत्तम निष्कर्ष का चयन, अब वो संभावना जो व्यक्त करता है उसमें से उसको परिणाम उसको मिल जाता है अपेक्षित, क्या करता है, उत्तम निष्कर्ष का चयन। तो वो एक तरीके से निष्कर्ष बनाता है और एक निष्कर्ष के रूप में उस वस्तु को उत्पादित करता है। तो इस चरण में व्यक्ति समस्या के विभिन्न संभावित जो समाधान थे, उन समाधानों में से जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा है उसको वह चुन लेता है, उसको वह पकड़ लेता है, उसको वह स्वीकार कर लेता है और आगे भी उस समस्या के समाधान से उस तरीके को संबंधित कर देता है। इस तरीके से ये अंतिम जो होता है वो उत्तम निष्कर्ष का चयन, वह उत्तम निष्कर्ष का चयन कर लेता है जो समस्या के समाधान के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है या सबसे ज्यादा उपयोगी। फिर अगला चरण क्या आता है, अपने लिए गए निर्णय को स्थापित करने की इच्छा। अब जो उसकी ये चीजें आ गई, तो जो निर्णय लिया उसको वह सोचता है कि समाज में स्थापित हो जाए, समाज के लोग इसको जाने, इसको स्वीकार करें, इसका उपयोग करें। तो क्या करता है, अपने लिए गए निर्णयों को स्थापित करने की इच्छा उसकी प्रबल हो जाती है और वह इस चरण में व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय को कार्य रूप देने की इच्छा व्यक्त करता है और लोगों के द्वारा विरोध किए जाने की वह चिंता भी नहीं करता है, परवाह किए बगैर भी वह ऐसे लोगों पर अपने निर्णय को कार्य रूप देने का यत्न करता है, जो कि उसको पागल या संखी कहते थे, उनको भी वो अपनी बात को मनाने के लिए प्रयासरत रहता है और मनवाता है। तो अपने निर्णय को स्थापित करने की इच्छा है ये अगली चरण। फिर अंतिम और लास्ट चरण क्या होता है, अनिश्चितता को स्वीकार करना। अनिश्चितता को स्वीकार करना, अनिश्चितता की माँ, जब वो अपने निर्णय को समाज में स्थापित करना चाहता है तो बहुत सारी अनिश्चितता की स्थिति भी होती है, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लोगों में भ्रम होता है इसको माने या ना माने, इससे कुछ लाभ होगा या नुकसान होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक तरीके से अनिश्चितता का माहौल होता है। तो उस अनिश्चितता को भी वह स्वीकार करता है, पसंद करता है तथा तो उसे बनाए रखने रखना सृजनात्मकता का एक प्रमुख अंश है, उसका एक भाग है, उसकी प्रोसेस है। और पूरी सृजनात्मकता प्रक्रिया के दौरान वह इस प्रकार की अनिश्चितता को एक सृजनात्मक चिंतक प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, उसे ग्रहण करता है और इस तरह से वह अपने किसी नई वस्तु को निर्मित करता है। तो ये बहुत सारे चरण थे जो लगभग 8-9 चरण में सृजनात्मकता की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसको कि हमने भी आपके समक्ष रखा। हम आशा करते हैं कि आपकी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया में बहुत सारे सोपान होते हैं, उन सारे सोपानों से गुजरते हुए एक सृजनात्मक वस्तु निर्मित होती है, एक सृजनात्मक वस्तु का उत्पादन होता है और व्यक्ति एक सृजनात्मक वस्तु निर्मित करता है जो उसके लिए और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले पड़ाव,
सृजनात्मकता को बढ़ाने में शिक्षकों की भूमिका। रोल ऑफ द टीचर्स इन एनहेंसिंग क्रिएटिविटी, ये आपका सिलेबस में अगला टॉपिक है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि रोल ऑफ द टीचर इन एनहेंसिंग क्रिएटिविटी, कि एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है सृजनात्मकता को बढ़ाने में। ऐसे बालक हैं जो कक्षा में जिनमें सृजनात्मकता की योग्यता है, जो क्रिएटिव माइंड है, उस क्रिएटिव माइंड को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए, किस प्रकार से शिक्षकों द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रेरित किया जाए कि वह और अधिक विकसित हो सके और अच्छे रूपों में आ सके, यानी जो उसके अंदर प्रतिभा है उसका विकास अपेक्षित रूप से अच्छा हो, जो उसको होना है उतना वो हो जाए, उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाए। तो इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक बालक के सर्वाधिक समय तक उसके विकास में अपना योगदान देता है। तो सृजनात्मकता में भी एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कैसे कैसे क्या क्या होता है, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है, अध्ययनों में उन्होंने बात सिद्ध की है कि शिक्षक कक्षा में कुछ विशेष प्रविधि को अपना करके छात्रों की सृजनात्मकता को कुछ ऐसे संकेत सृजनात्मकता को बढ़ा सकता है। सृजनात्मकता क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। और निम्नलिखित कुछ अगर ऐसी बातें हैं, संकेत हैं, जिनका कक्षा में उपयोग करके शिक्षक छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ा सकता है, बढ़ावा दे सकता है, इस पर हम अभी आपको बता रहे हैं, आप उसको देख सुन करके समझ सकते हैं। पहले क्या, शिक्षकों को छात्रों में आत्म अभिव्यक्ति की आदत डालनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शिक्षक जो है वह जो भी अपने छात्र हैं उसको ऐसा अवसर दिया देना चाहिए जिससे वह जो भी चीज़ें व्यक्त करना चाहता है, जो अपनी बातें वो बताना चाहता है, उसको बिना डर के बिना भय के बता सके। तो ऐसा कुछ आयोजन करना चाहिए हर छात्रों से, ऐसा नहीं है प्रत्येक छात्र को अवसर देना चाहिए। इससे क्या होता है, कभी कभी छात्र जानते ही कुछ चीज़ें बोलने से डरते हैं कि ऐसा हम कहें तो हो सकता है हमारे टीचर डांटे हमको, माला बुरा कहें, तो इस संकोच के कारण भी नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षक ऐसे जो छात्र हैं जिस जो उनके अंदर ये संकोच है, जो झिझक है, उसको वह निकाल दें और उनको अपनी बात को व्यक्त करने की आदत उनमें डालनी चाहिए, उनमें आदत डालनी चाहिए जिससे अपनी बात को बताएं, जिससे पता चल सके कि यह व्यक्ति में कौन सी प्रतिभा छिपी हुई, ये क्या कर सकता है, क्या बता सकता है, सबसे पहली बात थी। दूसरा, कि ऐसी प्रक्रिया या विषय, किसी प्रक्रिया या विषय को सीखने के लिए, किसी प्रक्रिया या विषय को सीखने के लिए किए गए अभ्यास के लिए, किसी प्रक्रिया विषय को सीखने के लिए किए गए अभ्यास के लिए छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए। छात्रों को क्या देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। छात्र अगर कुछ ऐसा विषय किए हैं, कुछ ऐसा काम किए हैं जो कि अच्छा है, तो उसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए और छात्रों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोत्साहन के रूप में उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अगला, नए नए विचारों के मौलिक स्रोतों से, जो नए नए विचार हैं या जो मौलिक स्रोत हैं उससे छात्रों को अवगत कराना, उससे क्या है, छात्रों को अवगत कराना कि इस क्षेत्र में ये चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, इस पर काम किया जा सकता है, इस पर आप लोग सोच विचार करके इस समस्या पर कुछ इसका समाधान ढूंढ करके लाइए, ऐसा भी छात्रों से शिक्षक के द्वारा कराया जा सकता है। ये नए नए जो विचार हैं, जो मौलिक स्रोत हैं, उसको छात्रों को बताना, उससे उनको अवगत कराना। अगला क्या, शिक्षक मस्तिष्क उद्वेलन प्रविधि की सहायता लेनी चाहिए। शिक्षक को मस्तिष्क उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड टेक्निक्स का
उपयोग सहायता लेनी चाहिए, जिससे छात्रों में जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो उसके मस्तिष्क में छिपी हुई चीज़ें हैं, वो निकल करके सामने आ जाए। इस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का प्रयोग भी शिक्षक के द्वारा करना चाहिए, जिससे छात्रों में जो छिपी हुई बातें हैं निकल करके सामने आ सके। यह एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कक्षा में छात्रों की एक समस्या दी जाती है, छात्रों को क्या दी जाती है, एक समस्या दे दी जाती है, और छात्र अपने आप उस समस्या का समाधान ढूंढें, उस समस्या के समाधान को खोजें। इससे क्या होगा, उनमें एक तरीके से नए विचार, नए भाव उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि एक सृजनात्मक भी हो सकते हैं। अलग शिक्षक को छात्रों से विवादात्मक प्रश्नों को पूछना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जो विवादात्मक, जिसमें एक दूसरे से विवाद हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए, तथा नए नए आंकड़ों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, नए नए आंकड़ों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तर्क वितर्क करने की क्षमता उसमें बढ़ेगी, और चीज़ों को, हर चीज़ों को तर्क वितर्क या उसके विपरीत रूप, उसके विस्तार दे करके, उसको और ठोस रूप दे करके उस चीज़ को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। तो इस तरीके से विवादात्मक प्रश्नों को पूछने के लिए उनको अवसर दिया जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, नए नए आंकड़ों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए शिक्षक के द्वारा। अगला क्या है, अभ्यासिक जो वृत्तियाँ हैं, जो हैबिचुअल एक्टिविटी है, एवं परंपरागत विधियों द्वारा, अभ्यासिक वृत्तियाँ परंपरागत विधियों द्वारा छात्र समस्या का समाधान ना करें, ये कोशिश होनी चाहिए कि जो अभ्यास के द्वारा यानी जिसका बार बार उपयोग करके समझ गया है उसका, या परंपरागत विधियों का वो प्रयास का प्रयोग समस्या के समाधान में ना करें, बल्कि कुछ नए तरीके, कुछ नई ऐसी चीज़ें खोजें जिससे समस्या का समाधान हो सके। कुछ छात्र समस्या का समाधान परंपरागत विधियों से ना करें, ऐसा भी ध्यान छात्रों के ऊपर अध्यापक को देना चाहिए, और इसका विशेष प्रयास शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए कि छात्र परंपरागत विधियों का प्रयोग समस्या के समाधान में न करें, बल्कि ऐसी ऐसी विधियों का प्रयोग करें जो नया हो, जो बिल्कुल नवीन हो। अगला क्या, वस्तुएं एवं विचारों का जोड़ तोड़ करने का बढ़ावा दिया जाए, जो वस्तुएं हैं उसमें कुछ जोड़े, कुछ घटाए, कुछ उसको परिवर्तित रूप करे, कुछ उसको विस्तार दे, या उसमें कुछ ठोस रूप उसको दे, तो इस सारी प्रक्रियाओं के माध्यम को भी उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे छात्रों में नई बातें कुछ निकल करके आ सके। अलग है, शिक्षकों को चाहिए कि वह एक कक्षा का शिक्षकों को चाहिए कि वह एक कक्षा का एक सृजनात्मक माहौल बनाए, अच्छा कहे ऐसा माहौल बनाए, सृजनात्मक माहौल बनाए, जिसमें छात्र निर्भीक होकर, जिसमें छात्र कैसे निर्भीक होकर के प्रश्नों का समाधान कर सके, निर्भीक होकर के प्रश्नों का समाधान करें। कक्षा का माहौल शिक्षकों द्वारा इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, कोई भी छात्र शिक्षक से भयभीत ना रहे, भयभीत न नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि छात्र अपनी स्वाभाविक क्रिया करेंगे, स्वाभाविक बात शिक्षक से रख पाएंगे, शिक्षक से बता पाएंगे, और जो वास्तव में उनको नेचुरली चीज़ें हैं निकल करके बाहर आएंगे। तो इसलिए कक्षा का माहौल शिक्षक के द्वारा ऐसा बनाया जाना चाहिए कि छात्र में निर्भीकता है, छात्र में कोई डर भय बात जैसी ना रहे, और वह अपने प्रश्नों को बिना डर भय के शिक्षक से पूछ सके, ऐसा माहौल निश्चित रूप से शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वह शिक्षकों को चाहिए कि वह वातावरण के उद्दीपकों के प्रति, वातावरण है उनके जो समस्याएं हैं, वातावरणीय समस्याएं, उसके प्रति छात्रों को अत्यधिक संवेदनशील एवं ध्यानमग्न बनाए, उस पर अत्यधिक बार बार उसका ध्यान दिलाए, उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश छात्रों की कराए, ये भी शिक्षक को अगर करेगा तो ऐसे बालकों में सृजनात्मकता का विकास रूप से हो सके। लगा छात्रों में रचनात्मक आलोचना की क्षमता विकसित करानी चाहिए, छात्रों में रचनात्मक आलोचना, आलोचना कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, कुछ नई बातें निकल करके आए,
कुछ नई चीज़ें उसमें जुड़ करके आए। तो छात्रों में रचनात्मक आलोचना की क्षमता विकसित करनी चाहिए और छात्रों को नए नए विचारों को सीखने, जानने, जांच करने की प्रविधियों पर शिक्षक को बल डालना चाहिए, उस पर अत्यधिक प्रभाव डाले, उस पर बल डाले, फोकस करे, जिससे छात्र उस चीज को बार बार ध्यान दें। अगला क्या, किसी कौशल को विकसित करने, कोई कौशल स्किल है उसको विकसित करने या सीखने में छात्रों के मन में उत्पन्न जो प्रारंभिक नकारात्मक अनुभूतियों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना चाहिए। जो नकारात्मक अनुभूतियां हैं छात्रों में किसी कौशल को विकसित करने के प्रति, उन नकारात्मक अनुभूतियों को दूर करने का उपाय बताएं, उनको निर्देशन दें, उनका अच्छे तरीके से परामर्श करें, जिससे जो नकारात्मक वृत्तियाँ हैं वह सकारात्मकता में परिवर्तित हो सके और छात्र में जो नए कौशल सीखने के प्रति उसकी एक नकारात्मक वृत्ति या प्रोत्साहन है उसको प्रोत्साहन में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो शिक्षक के द्वारा ये प्रयत्न भी किया जाना चाहिए जिससे छात्रों में सृजनात्मकता का विकास हो सके। लगा शिक्षकों को छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के महत्व को अच्छे ढंग से समझने के ख्याल से उन्हें जहाँ तक संभव हो सके कक्षा में विचारों को, कक्षा में जो विचार हैं एक ठोस रूप में ग्रहण करने की आदत डालनी चाहिए। स्कूल नहीं बल्कि ऐसे ठोस रूप में उसको चीज़ों को या मूर्त रूप में उसको ग्रहण करने की आदत डालनी चाहिए। अगला, छात्रों द्वारा किसी विचार के पूर्व यानी छात्र जो विचार करते हैं, विचार कोशिश करते हैं, उस विचार के पूर्ण आशय को, यानी उस विचार के जो एक तरीके से कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को समझने पर बल डालना, उसको अच्छी तरीके से याद करने या ग्रहण करने पर भी बल डालने, उसको महत्व भी दे, ऐसा भी किया जाना चाहिए शिक्षकों के द्वारा। अगला क्या, शिक्षक साहित्य, विज्ञान, कला आदि विभिन्न क्षेत्रों, में भिन्न भिन्न प्रकार के सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत करें, अपने छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में समर्थ होने चाहिए और जिससे छात्रों में अपनी समस्या को समाधान करने को समर्थ हो सके। ये भी प्रयास शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए। लेकिन छात्रों की झिझक तथा डर को, छात्रों के अंदर जो झिझक है, जो डर है, उसको समाप्त करने के यथासंभव, जहाँ तक संभव हो सके, प्रयास किए जाने चाहिए। उनमें डर भय ना रहे इसकी भरसक प्रयास करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके उसको दूर करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। अगला, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी, शैक्षिक इत्यादि की विभिन्न समस्याओं को समझने तथा उनका तर्कसंगत तथा व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी, शैक्षिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो समस्याएं, उसको समझने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षक उसको बताए और उनका तर्कसंगत और व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें, उनकी मदद करें और जहाँ तक हो सके उनको सही रास्ता दिखाए, सही रूप में उनको निर्देशित। अगला क्या है, महान खोजकर्ता, ये जो महान आविष्कारक हुए हैं कि जीवन परिचय के साथ साथ लोगों के जीवन परिचय बताए जाएं और उनके साथ साथ उनके जीवन में घटी जो विशेष घटनाएं हैं तथा सार्थक घटनाओं से बालक को अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे उनको कुछ प्रेरणा ले सकें, उनसे कुछ समझ सकें, कुछ सीख ले सकें और उनका अनुकरण करके वह भी ऐसा कार्य करने की सोचें, इससे वह उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं से प्रेरणा ले सके।
तो इस तरीके के कार्य भी शिक्षकों को छात्रों से छात्रों के सामने करना चाहिए, जिससे उनमें सृजनात्मकता विकसित हो सके, सृजनात्मकता का विकास हो सके। इस प्रकार एक शिक्षक, ये बहुत सारी बातें हम आप लोगों समक्ष रखे, हमें लगता है कि बहुत बातें होंगी, इन सारी बातों को अगर एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों के समक्ष रखेंगे, इन विधियों को अपनाएंगे, तो छात्रों में सृजनात्मकता को निश्चित रूप से बढ़ावा दे सकते हैं। जो जिन बालकों में इस तरीके की क्षमता है, योग्यता है, उसको कुशलता है, उनको और अत्यधिक अच्छा बनाया जा सकता है और अच्छा आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सारे उपायों का प्रयोग एक शिक्षक को छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में अभी सृजनात्मकता पे ही बात होगी, हम फिर एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे जिसमें इसके आगे की बातें होंगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए, और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो भी शिक्षण सामग्री प्रदान की जा रही है उसका आप अध्ययन मनन करें और उसका अपने जीवन में उपयोग भी करें, और ऐसे कुछ बातें जो सीखने को मिली हैं अगर आपको मिले तो हम लोगों की मेहनत सार्थक होगी, ऐसा विश्वास है। तो इन्हीं वचनों के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं, तब तक एक नए वीडियो का इंतजार करिए, हम लोग पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम समय तक वीडियो को देखने के लिए।